जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपका जो CTET का एग्जाम है वो जुलाई में होना है 2023 वाला। तो जितने भी पीछे क्वेश्चन पूछे गए थे CBT टाइप, कंप्यूटर बेस्ड टाइप, तो उसको हम सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 6s, ये कोई संख्या गिवन है, इसमें जो 6 का जो है स्थानीय मान जो है उनके बीच उनका गुणनफल बताना है, 6 के स्थानीय मानों का। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो दो तरीके के होते हैं जो आपके, एक तो होती है प्लेस वैल्यू जिसको स्थानीय मान बोलते हैं, एक होता है फेस वैल्यू जिसको जातीय मान बोलते हैं। जातीय मान उसी संख्या का वही होता है, 6 का जातीय मान 6, 4 का जातीय मान 4, 3 का जातीय मान 3, फेस वैल्यू का मतलब ये होता है। तो इसमें पूछ रखा है प्लेस वैल्यू, तो ये संख्या है 7 8 6 3 6 4। तो स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं, प्लेस वैल्यू निकालने का, ये 6 का निकालना है। तो ये जो डिजिट है ना, इसके बाद जितने भी डिजिट है इसके 0 लगा देंगे यहाँ पर 7। तो 6 का स्थानीय मान क्या आ गया, 60। तो इस जो 6 है इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे 6। इसके बाद कितने संख्याएं हैं, कितने डिजिट हैं, 3 6 और 4, तो 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट के लिए क्या कर देंगे, 3 0 ऐसे लिख देंगे। तो अब इसका बताना था प्रोडक्ट यानी गुणनफल बताना है इन दोनों का। तो 60 और ये 6000, इसका गुणनफल निकालना है, तो निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 36 1 2 3 और ये 4, 3,60,000, ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर वो पूछ लेता 6 जो है इसका फेस वैल्यू बतानी है 6 की, ठीक है, गुणनफल बताना है इसी तरीके से। अगर यहाँ पर स्थानीय मान के बजाय अगर वो फेस वैल्यू दे देता तो फेस वैल्यू क्या हो जाती है, देखो 6 की फेस वैल्यू कितनी, 6, और ये दूसरे वाले 6 की भी फेस वैल्यू कितनी, 6। तो इसको मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या जाता, 36। इस तरीके से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बतानी है, अनुचित भिन्नों का कौन सा समूह है, ऑप्शन ये गिवन है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो फ्रैक्शन होती है वो कितने टाइप की होती है। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिंदी में भिन्न, और फ्रैक्शन आपकी 3 टाइप की होती है। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 तरह की होती है। प्रॉपर का मतलब होता है उचित भिन्न, इसका इम्प्रॉपर का मतलब होता है अनुचित भिन्न, मिक्स का मतलब होता है मिश्रित भिन्न। 3 तरीके की भिन्न होती है। अब देखो कौन, इसका मतलब होता है उचित का मतलब क्या होता है, उचित जो भिन्न होती है इसमें अंश छोटा होता है, अंश छोटा, और जो हर होगा ड्यूनोमिनेटर वो होता है बड़ा, इसको क्या बोलते हैं, उचित भिन्न यानी प्रॉपर। और जो इम्प्रॉपर भिन्न होता है इसमें क्या होता है, अंश तो हो जाएगा बड़ा और हर हो जाएगा छोटा, इसको याद रखना है। और मिश्रित भिन्न होती है जैसे 2 सही 1/2, इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आसानी से आप यहां से इसमें से जो है चयन कर सकते हो कि कौन सी अनुचित भिन्न है यानी इम्प्रॉपर है, अंश बड़ा है, हर छोटा होना चाहिए। इसमें है ना ऑप्शन नंबर 3 में देखो, अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। बाकी जितनी भिन्न रहेगी इसमें देखो अंश क्या है, छोटा है, इसमें भी अंश छोटा है, इसमें केवल क्या था, अंश क्या था, बड़ा था। तो अंश जिसका बड़ा है हर छोटा है वो क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न होती है। तो इसको इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। तो ये था आपका फ्रैक्शन, 3 टाइप का फ्रैक्शन था, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट अप्रोक्सीमेशन बताना है, इसके नजदीक वैल्यू कौन सी है, ऑप्शन आपको ऐसे गिवन मिलेंगे। जैसे अगर मैं 2.9 की बात करूं तो ये किसके बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में आता है। तो 2 और 3 का मिड पॉइंट की अगर हम बात करें, बिल्कुल मिड पॉइंट की, तो ये आ जाएगा 2.5। अब 2.5 के बाद देखिए यहां पर 9 है, तो यहां पर आया होगा 2.9, तो ये सबसे नजदीक किसके हो जाएगा, 3 के सबसे नजदीक बनता है। तो एक बात तो तय है, 2.9 के लिए वैल्यू कौन सी होगी, 3।
अब बात कर लेते हैं 7.49, ये किसके बीच में आया होगा, ये आया होगा 7 और 8 के बीच में आया है, तो 7.49 का मतलब है यहां, तो इसका मिड पॉइंट कितना था 7.5, तो ये किसकी तरफ ज्यादा है, ये 8 की तरफ जाता है, तो इसके लिए 8 आ जाएगा। इसी प्रकार 11.51 है, तो ये किसके बीच में आया होगा, देखो 11 और 12 के बीच में मिड पॉइंट की बात करें तो 11.50 ये मिड पॉइंट है, तो ये एक आगे यूनिट चला गया है, तो ये किसकी तरफ झुक रहा है, ये 12 की तरफ, तो इसका मतलब इसके लिए हम लिख देंगे 12। अब आप ऑप्शन से आसानी से छाट सकते हो, 3 × 8/12, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक विषमबाहु त्रिभुज में होता है, ये चार ऑप्शन गिवन है, तो सबसे पहले आपको त्रिभुज का पता होना चाहिए कितने टाइप की होती है। एक त्रिभुज होती है समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें जो तीनों भुजाएं होती हैं त्रिभुज की, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। एक त्रिभुज होती है समद्विबाहु, जैसा कि आपको मीनिंग पता चल जाएगा, इसके अर्थ भी निकल जाएगा। देखो समद्विबाहु, समान दो भुजाएं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, कोई भी दो भुजाएं समान है, तो वो क्या हो जाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी। एक होती है समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक 90 डिग्री का एंगल होता है इस तरीके से, समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं इसको, ये हो जाएगा 90 डिग्री में। एक होती है आपकी विषमबाहु त्रिभुज, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, विषमबाहु, विषम का मतलब होता है ओड, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। वैसे आपको देखने में ऐसे लगेगा, ये देखो, ये ऐसे तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, मान लीजिए ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, 4 मीटर, इस तरीके से मिलेंगे आपको, तो विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, बराबर नहीं होती। तो इसमें देखो 3 समान भुजाएं, ये तो गलत है, 2 समान भुजाएं, ये भी गलत है, ये समद्विबाहु त्रिभुज जाएगी, ठीक है, 2 असमान कोण, ये भी गलत है, तो 3 असमान भुजाएं, ये बिल्कुल राइट आंसर है। जिस भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती है उसको क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रायंगल के एंगल का रेशियो गिवन है 5:6:7 के अनुपात में है, तो सबसे छोटा कोण की माप बतानी क्या होगी। जैसे ट्रायंगल होती है ये त्रिभुज, इसके जो 3 कोण हैं वो किस रेशियो में है, 5x, इसको मान लेते हैं 6x, इसको मान लेते हैं 7x। तो एक बात आपने ध्यान रखनी है, ये त्रिभुज हो जाती है ABC, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो इसी प्रकार एंगल ए कितना है 5x, एंगल बी कितना है 6x, ये कितना है 7x, ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18x = 180 डिग्री, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसे कट जाएगा ये 18 इस तरीके से, तो 10 डिग्री, x कितना आ गया 10 डिग्री। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा, देखो सबसे छोटा कितना है 5x, तो 5x में क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे 10, तो कितना आ जाएगा 5 × 10 डिग्री, ये हो जाएगा 50 डिग्री। सबसे छोटा कोण कौन सा है 50 डिग्री का, ये आंसर हो जाएगा। बड़ा पूछता तो 7x में वैल्यू रख देते 10, तो 70 आ जाता सबसे बड़ा एंगल, इस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ आदमी पंक्ति में खड़े हैं, रुपेश का स्थान दोनों छोर से 13वां है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मान लेते हैं ये कोई पंक्ति है, यहां पर ये लाइन है, और दोनों तरफ से अगर काउंट करते हैं तो ये 13वां स्थान है रुपेश का, तो इसका मतलब यहाँ ये कौन सा स्थान आ गया, ये 13वां है। इधर से काउंट करते हैं तो भी,
और इधर से काउंट करते हैं तो वो भी 13वां स्थान है। तो बताना है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। कई बार हम क्या कर देते हैं, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, 13 और 13 को ऐड करके लिख देते हैं 26, जबकि ये आंसर नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें ऐसा होता है, क्योंकि इसमें देखो यहां से भी 13वां स्थान और इधर से भी 13वां, ये जो रुपेश है ना ये दो बार काउंट किया जा रहा है, इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा, ये दो बार काउंट हो जाता है। तो यहाँ जो 26 है, 26 में से एक बार इसको काउंट करेंगे, क्योंकि ये दो बार काउंट किया गया है, तब आंसर आ जाएगा 25। तो अगर हम पंक्ति में कुल व्यक्तियों की बात करें तो कितने कुल व्यक्ति हैं, 25 है न कि 26। तो जल्दबाजी में आप गलती ना करें, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 26 लगाकर आ जाते हैं, वो मतलब ये गलत हो जाता है। तो ये आंसर होगा, उसमें से एक जो रुपेश है दो बार काउंट किया गया है, उसको माइनस कर देंगे। तो ये थी क्लास, जितने भी आपके पीछे क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस लेवल का आपका सीबीटी टेस्ट होगा, सीटेट का 2023 में। तो हमने सेशन शुरू कर रखा है, सीरीज भी शुरू कर रखी है, जिसमें हमने जो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से शुरू किया था। आज ये वीडियो बनानी जरूरी थी बीच में, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को रेगुलर ऐसे ही सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट क्लास आपकी नंबर सिस्टम की ही होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।